नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में 27 जुलाई को हुए हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। अपने भविष्य को उज्जवल करने की चाह में दिल्ली पहुंचे उन 3 छात्रों को कहां पता था कि वो भले ही आईएएस बनने आए हो, लेकिन ये सिस्टम उन्हें मौत देगी। कोचिंग सेंटर में हुए इस घटना की चर्चा सड़क से लेकर सदन तक हो रही है, जहां एक तरफ दिल्ली भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना को लेकर आप कार्यालय के पास आप सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं सदन के अंदर भी ये मुद्दा गरमाया रहा। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक इस मुद्दे पर आपको जमकर घेरती नजर आई और इस घटना के लिए जिम्मेदार आपको ही ठहराया। सबसे पहले आप बांसुरी स्वराज को सुनिए। पहले तो उन्होंने 3 छात्रों को लेकर अपनी संवेदना व्यक्त की और फिर उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को उसकी सच्चाई का आईना दिखाया। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहां तक कि आपराधिक के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। वो यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे आम आदमी पार्टी के 10 सालों के कार्यकाल पर भी सवाल उठा दिए। एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी MCD भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है, ना डीसिल्टिंग करी है नालों की। बांसुरी स्वराज ने ओल्ड राजेंद्र नगर के विधायकों और जनप्रतिनिधियों का भी काला चिट्ठा सभी के सामने खोल कर रख दिया। राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई, 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आखिर में बांसुरी स्वराज ने आखिरकार उस घटना की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाने की मांग तक कर डाली। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? इधर इस घटना पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी अपनी बातों को रखते वक्त दिल्ली सरकार को पूरी तरह से घटना के लिए जिम्मेदार बताया। सांसद शशि थरूर ने कहा, किसी भी तरह का मुआवजा परिवार के दुख को कम नहीं कर सकता है। When you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered and the hopes of the family have been shattered, sir. This is a matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime, sir. समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस घटना को लेकर आप सरकार पर सवाल खड़े किए और एक ऐसी बात कही जिसे सुनने के बाद सभी दंग रह गए। उन्होंने अपने भाषण में योगी के बुलडोजर नीति की तारीफ करते हुए पूछा, क्या नियमों पर उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थान पर सरकार बुलडोजर चलाएगी? जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है।
अध्यक्ष महोदय जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहाँ इलीगल बिल्डिंग बनती है वहाँ बुलडोजर चलता है। ओके, क्या सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? इधर इस पूरे मामले ने तुल पकड़ा हुआ है। वहीं पीड़ित परिवार से लेकर छात्र इसे लेकर सड़क पर उतर आए हैं और इस मामले पर उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी उन पीड़ित परिवारों को उनका खोया हुआ चिराग नहीं लौटा सकती। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NMS News। नमस्कार।